खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीना नरवाल ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए झरोठ, बधाना, ककरोई, खेड़ीद या निरथान नकलोई गांव का दौरा किया, जहां पर अलग अलग जगह पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। खेड़ीद या गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मीना नरवाल ने कहा कि जिस तरह से चेयरपर्सन रहते उन्होंने 3.5 साल में खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए हैं, ऐसे ही खरखोदा की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वह विधायक बनकर उससे भी कई गुना ज़्यादा काम खरखोदा हल्के में करवाने का करेंगी। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश से सांसद सिंधिया राय, भाजपा नेता प्रीतम खोकर, अनिल झरोठी, सुमित्रा चौहान, सोनिया अग्रवाल, जयकरण सैदपुर, संदीप राणा, संजय रोणा, प्रेम जांगड़ा, रामनिवास खरखोदा, सतीश शेरी आदि तमाम भाजपा नेता राजू धानक मौजूद रहे। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मौका भी दिया और मैंने 3.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 5-6 करोड़ के लगभग खरखोदा हल्के में विकास कार्य करवाए भी हैं और पूरे जिले में बताऊं तो 25-30 करोड़ के लगभग जो है जिला परिषद के माध्यम से कार्य करवाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर हमारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हल्के में हमारा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो कामों की जो है कमी नहीं रहेगी, विकास कार्य ज्यादा होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से सांसद सिंधिया राय जी, आइए इनसे जानते हैं। मैम, आज आप खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज वास्तव में पार्टी ने, संगठन ने मुझे चंबल से यहां पर भेजा है मेरी बहन श्रीमती मीना नरवाल जी के लिए, जो कि खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। और लगातार मैंने जिस तरह सुबह से यहाँ देखा है, वास्तव में जन सैलाब उनके लिए उमड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व में भी सरकार थी उन्होंने भी लगातार महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, जिससे बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ा है। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे हम केंद्र की सरकार की बात करें, लगातार बहन बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे सोनीपत जिले से 6 विधानसभा सीटों में से 3 बहनों को हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिसमें से हमारी बहन एक मीना जी हैं, जिनके लिए मैं यहाँ समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लिए वोट और अपील करने के लिए आई हूँ और निवेदन किया है पूरे क्षेत्र की जनता से कि उन्हें भारी बहुमत से कमल के फूल की बटन दबा कर उन्हें विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का एक चौकीदार नियुक्त करें, जिससे उनकी क्षेत्र की सेवा का अवसर उन्हें मिल सके। मैम, यहाँ पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही है, किस तरह की उपलब्धियाँ रही हैं जिससे दोबारा सरकार बनेगी? जी देखिए, प्रदेश में लगातार यहाँ बीजेपी की सरकार थी और लगातार उन्होंने जिस तरह बहनों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, हम चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे बहनों के प्रसव जननी सुरक्षा योजना, लाड़ली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्यादान योजना, ऐसी तमाम सारी बेटियों की योजनाएं, जिससे हमारी बेटियों का, बहनों का मान सम्मान बढ़ा है। और उससे बड़ा हर्ष का विषय है कि उसी दरमियान हमारी एक बेटी को, एक बहन को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर्ष है कि हमारी एक बहन को सम्मान दिया है पार्टी ने। मैम, लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें यहाँ भाजपा ने जीती हैं, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार का कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, लोकसभा में जिस तरह मोदी जी को पूरे देश की जनता ने इतना भरपूर समर्थन दिया है और मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं, और उसी हिसाब से मोदी जी पूरे देश की जनता का आशीर्वाद पाकर काम भी कर रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने तमाम सारे अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे धारा 35 को हटाने का काम किया, जिससे आज हम देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की जो जनता थी वो सही मायने में आज की डेट में आज़ाद हुई है। और उन्हें हर्ष है कि जो केंद्र की सरकार हमारे लिए योजनाएँ भेजती है वो कहीं अटक जाती थी, लेकिन अब उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और हम बात करें प्रदेश की सरकार का, तो वास्तव में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और लगातार उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं कि आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे आप खुद देखिएगा कि यहाँ पूर्ण बहुमत में सरकार यहाँ भी प्रदेश में बनेगी हरियाणा में। मैम, खरखोदा हल्के की हम बात करें, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव माना जाता है, कैसे लगता है यहाँ कमल खिलेगा इस बार? नहीं, ये तो देखिए, आपको 21 तारीख को जब मतदान होगा और जब नतीजे आएंगे वो आप स्वयं देखिएगा, जनता बिल्कुल पूरा समर्थन बीजेपी को देने वाली है। धन्यवाद। महिला प्रत्याशी आपने यहाँ से दिया, महिलाओं के लिए क्या विशेष रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों में सरकार हो, लगातार महिलाओं को जिस तरह संगठन हो चाहे सरकार में हो, लगातार महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया और बहनों को आगे बढ़ाने का काम चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो लगातार काम कर रही है,
इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जब नतीजे आएँ तो आप स्वयं देखेंगे लगातार यहाँ से जो भी हमारी बहनें प्रत्याशी हैं चाहे पुरुष भाई हैं और जो नतीजे आएंगे और जनता जो समर्थन देने वाली है, मैं समझती हूँ नतीजे बहुत ही रोचक और अच्छे आने वाले हैं। धन्यवाद।